दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग इक्विपोटेंशियल सरफेस मतलब समविभवीय तल के बारे में बात करेंगे। बस वीडियो के अंत तक बढ़िया से बने रहिए क्योंकि लास्ट क्लास में हम लोगों ने पोटेंशियल का के बारे में पढ़ा था, पोटेंशियल के बारे में बात किया था और आज का यह वीडियो इसी पोटेंशियल से रिलेटेड है, यानी इक्विपोटेंशियल सरफेस आपको पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा। साथ साथ में इसका प्रॉपर्टी, इसका गुण, इसका टाइप सब के सब आज इस वीडियो में देखेंगे, बस अंत तक बने रहिए। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं यशमणि, आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपनी एजुकेशनल चैनल एमिंग हाई में। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन यह आपको डेली लेक्चर का 23 पार्ट है, 23 सेट है जो आपके एग्जाम के लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट होता है। साथ साथ में यह आपको एग्जाम में 100% स्कोर करने के लिए बहुत हेल्पफुल होता है, लेकिन यह फायदा आपको तभी मिल पाएगा जब इस सीरीज के डेली सेट के सारे वीडियोस को बिल्कुल अंत तक बिल्कुल लास्ट तक देखते हैं। यह हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा में मिल जाता है और यह इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर का 23वां सेट है। वैसे अगर आप इस सीरीज के बारे में और भी ज्यादा जानकारी चाहते हैं तो वीडियो को रोककर इस इंफॉर्मेशन को जल्दी से पढ़ लीजिए, आपको पूरा का पूरा डिटेल पता चल जाएगा या किस क्लास का चैप्टर है, किस समय अपलोड होता है और पीछे के सारे वीडियो को देखते रहने के लिए यहां राइट साइड कॉर्नर पे एक आई बटन शो कर रहा होगा, इस आई बटन पे क्लिक कीजिए, पीछे का पूरा वीडियो खुल जाएगा, वहां से देख सकते हैं। या फिर YouTube पे एमिंग हाई सर्च कीजिए और एमिंग हाई सर्च करके जो चैनल आएगा उसे खोल करके अंदर चले जाइए और वहां पर जाकर पूरा वीडियो या प्लेलिस्ट में पूरा फाइल बना हुआ है वहां से जाकर देख सकते हैं। चलते हैं सीधे आज के लेक्चर पे। तो जैसा कि हम सभी को पता है कि अभी हम इक्विपोटेंशियल सरफेस के बारे में बात करेंगे कि क्या होता है। देखिए तो जैसा नाम वैसा काम, इक्वी का मतलब होता है इक्वल, आप लोग जानते हैं ना कि इक्वी का मतलब होता है इक्वल, पोटेंशियल का मतलब होता है पोटेंशियल जिसे विभव भी बोलते हैं हिंदी में पोटेंशियल, और सरफेस का मतलब होता है सतह, मतलब इक्वल पोटेंशियल सरफेस, इक्वी पोटेंशियल सरफेस जो हुआ, इक्वी का मतलब इक्वल, पोटेंशियल का मतलब विभव, सरफेस का मतलब सतह, यानी एक ऐसा सतह, एक ऐसा तल, एक ऐसा सरफेस जिसके हरेक पॉइंट पर का जो पोटेंशियल हो, हिंदी में बोले तो विभव हो, वो समान हो, उसी सतह को हम लोग बोलते हैं इक्वी पोटेंशियल सरफेस। फिर से ध्यान से सुनिए, इक्वी पोटेंशियल सरफेस वैसे सरफेस को बोलते हैं जिसके हर एक बिंदु पर का जो पोटेंशियल हो वो सेम हो, वो बराबर हो। अगर पोटेंशियल सेम नहीं रहेगा तो उसको इक्वी पोटेंशियल सरफेस नहीं बोलेंगे। जैसे उदाहरण के लिए समझिए कि मान लीजिए कोई स्फीयर है, मान लीजिए हेमी स्फीयर, ऐसे कोई अर्धगोला है, अर्धगोला है, हेमी स्फीयर जिसे बोल सकते हैं, अर्धगोला ऐसे है, फिगर में बढ़िया से नहीं बना पा रहा हूं, तो यह अर्धगोला है। अब इस अर्धगोला के एक बिंदु पर पोटेंशियल अगर 3 वोल्ट है तो हरेक बिंदु पर, इसके हरेक बिंदु पर पोटेंशियल 3 वोल्ट हो तो इसी सरफेस को बोलेंगे इक्वी पोटेंशियल सरफेस। क्या बोलेंगे इसे? इक्वी पोटेंशियल सरफेस। आपको बात समझ में आ रही होगी कि इक्वी पोटेंशियल सरफेस क्या होता है। मैं फिर से बता दूं, ध्यान से सुनिएगा कि इक्वी पोटेंशियल सरफेस क्या होता है, एक ऐसा सतह, एक ऐसा सरफेस जिसके हरेक बिंदु पर का पोटेंशियल सेम हो, हरेक बिंदु पर का विभव सेम हो, उसे हम इक्वी पोटेंशियल सरफेस बोलते हैं, समविभवीय तल बोलते हैं। आप इस बात को समझ गए? नहीं समझे तो मैं फिर से एक दूसरा उदाहरण से समझा दूं। देखिएगा, मान लीजिए कोई पॉइंट चार्ज क्यू है, सुनिएगा ध्यान से, कोई पॉइंट चार्ज क्यू है और इस क्यू से r दूरी पर मान लीजिए 10 मीटर पर हमको पोटेंशियल निकालना हो, तो 10 मीटर पर पोटेंशियल जो आया मान लीजिए 20 वोल्ट आ गया। मैं बोल रहा हूं इस क्यू चार्ज से 10 मीटर पर जो पोटेंशियल आया वो 20 वोल्ट आया, तो इधर भी अगर 10 मीटर पर मैं निकालूंगा तो यह भी 20 वोल्ट हो जाएगा, अगर मैं इधर 10 मीटर पर निकालूंगा तो यह भी 20 वोल्ट हो जाएगा, इधर मैं 10 मीटर पर निकालूंगा तो भी 20 वोल्ट होगा, अगर मैं चार्ज के ऊपर निकालूं 10 मीटर पर तो भी 20 वोल्ट होगा, चार्ज के नीचे निकालूं 20 मीटर पर तो भी 20 वोल्ट होगा, सॉरी 10 मीटर पर, चार्ज का इधर निकालूं 10 मीटर पर तो भी 20 वोल्ट होगा। तो इन सारे 20 वोल्ट वाले सरफेस को अगर एक साथ हम मिलाकर रख लें, मैं कह रहा हूं अगर इस सारे 20 वोल्ट वाले सतह को मिलाकर एक सतह हम बना दें तो इसी सतह को हम लोग बोलेंगे इक्वी पोटेंशियल सरफेस, या बोलिए समविभवीय तल। फिर से सुनिएगा, एक ऐसा सतह, एक ऐसा सतह जिसके हर एक बिंदु पर का पोटेंशियल जो होता है वो सेम होता है, विभव सेम होता है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि अगर आपका कोई चार्ज पॉइंट चार्ज हो तो इसके चारों ओर समान दूरी पर जो पोटेंशियल बनेगा वो समान बनेगा, और इस समय जो पोटेंशियल सरफेस बनेगा इक्विपोटेंशियल सरफेस वो स्फेरिकल होगा, गोलाकार होगा, सर्कल नहीं होगा। फिगर में आपको भले ही देखने में सर्कल लग रहा है, एक्चुअली ये स्फेरिकल होगा, मैं आपको फिगर से दिखाता हूं। जैसे आप ऐसे समझिए, देखिए कैसे समझिए, मैं ये कह रहा हूं कि मान लीजिए यहां कोई पॉइंट चार्ज है, इससे 10
मीटर पे, इससे इधर 10 मीटर, इधर 10 मीटर, इधर 10 मीटर, हर एक पॉइंट पे 10 मीटर पे अगर पोटेंशियल निकालेंगे तो पोटेंशियल सेम आएगा। तो देखो तो अगर इस समय सतह बनाया, हेमिस्फीयर बनेगा ऐसे करके, अभी हेमिस्फीयर बनेगा, तो ये जो सतह हुआ हेमिस्फीयर, ये क्या होगा, इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा। और वैसे ये नीचे जो होगा ये भी इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा, ये पूरा के पूरा जो सर्कल सॉरी स्फीयर बनेगा, पूरा के पूरा गोल जो स्फीयर बनेगा, गोल सा स्फीयर, ऐसे इस स्फीयर को बोलेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस, जहां पे चार्ज बिल्कुल बीचों बीच में है। एक्चुअली हो क्या जाता है कि जो मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग पढ़ाता हूं, बोर्ड पे नहीं पढ़ाता हूं, तो मैं सारी चीजों को अच्छी तरीके से क्लियर नहीं कर पाता हूं। जैसे बोर्ड होता तो मैं 3D फिगर बना के आपको बढ़िया से बताता, लेकिन अगर आप थोड़ा भी समझदार होंगे तो समझ गए होंगे कि कोई भी चार्ज है तो अगर पॉइंट चार्ज है तो उससे समान दूरी पर का हम वोल्टेज लेंगे, समान दूरी पर का, समान दूरी पर का, तो हर एक समान समान दूरी पर का जो वोल्टेज होगा, पोटेंशियल होगा, वो बराबर होगा। और सारे समान दूरी वाले पॉइंट को अगर एक साथ मिला देंगे तो वो एक ऐसा सतह मिल जाए, बन जाएगा, जिसके हर एक बिंदु पर विभव सेम होगा, उसी को बोलते हैं समविभवीय तल या इक्विपोटेंशियल सरफेस बोलते हैं। तो उतना आप लोगों को नहीं जानना, आप लोग बस इतना जान लीजिए ना कि एक ऐसा सतह जिसके हर एक बिंदु पर का पोटेंशियल सेम हो उसे हम बोलते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस। और जैसे समझिए कि मान लीजिए कोई सतह है, इसके एक बिंदु पर का पोटेंशियल 2 वोल्ट है, तो यहां का भी 2 वोल्ट हो जाएगा, यहां पर का भी 2 वोल्ट हो जाएगा। ये सतह है, ये स्फेरिकल सतह है, स्फेरिकल भी हो सकता है, प्लेन भी हो सकता है, सिलेंड्रिकल भी हो सकता है, मान लीजिए 2 वोल्ट है, तो हर एक बिंदु पर का जब पोटेंशियल 2 वोल्ट हो गया एमिंग हाई के रेगुलर व्यूअर, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, पोटेंशियल में अंतर क्या होगा, तो आप कहेगा सर यहां का भी पोटेंशियल 2, यहां का भी पोटेंशियल 2, तो 2 - 2 आ जाएगा 0, मतलब कि सर पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो बिल्कुल सही समझे आप, इक्विपोटेंशियल सरफेस के हर एक बिंदु पर का पोटेंशियल मतलब विभव, विद्युत विभव समान होता है, और विभवांतर, विभवांतर को इंग्लिश में बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, वो विभवांतर 0 हो जाएगा, क्योंकि पोटेंशियल सेम रहेगा, तो दोनों का जो अंतर होगा विभवांतर, विभव का जो अंतर होगा, विभव का जो डिफरेंस होगा, वो घट के 0 ना जाएगा। तो यही होता है इसका डिफिनेशन, जरा नीचे चल के देख लीजिए इसका डिफिनेशन। देखिए यहां पर डिफिनेशन बढ़िया से और अच्छा से सुंदर से लिखा हुआ है कि इट इज द सरफेस एट व्हिच पोटेंशियल एट ईच पॉइंट इज सेम। समविभवीय तल एक ऐसा सतह होता है जिसके हर एक बिंदु पर विभव समान होता है। सिंस पोटेंशियल एट ईच पॉइंट इज सेम, मतलब चूंकि हर एक बिंदु पर पोटेंशियल सेम है, सो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट इज 0, क्योंकि विभव समान होता है, इसलिए किसी भी 2 बिंदु के बीच जो विभवांतर होता है वो 0 के बराबर होता है, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस 0 होता है। अब थोड़ा सा इसका टाइप देख लीजिए कि टाइप कैसा होता है। तो सबसे पहला जो इक्विपोटेंशियल सरफेस का जो टाइप होता है, सबसे पहला टाइप वो होता है स्फेरिकल इक्विपोटेंशियल सरफेस। क्या होता है? स्फेरिकल इक्विपोटेंशियल सरफेस, स्फेरिकल इक्विपोटेंशियल सरफेस। सबसे पहला जो होता है स्फेरिकल इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है, सबसे पहला सतह होता है स्फेरिकल इक्विपोटेंशियल सरफेस। ये देखिए समझिएगा क्या होता है कि अगर कोई चार्ज, पॉइंट चार्ज होना, पॉइंट स्फेरिकल को हिंदी में बोलते हैं गोलीय समविभवीय तल, अगर कोई चार्ज पॉइंट चार्ज हो तो पॉइंट चार्ज के चारों जो इक्विपोटेंशियल सरफेस मिलता है, इक्विपोटेंशियल सरफेस ये होता है आपको स्फेरिकल मिलता है। कैसा मिलता है? स्फेरिकल ऐसा मिलता है, ऐसा शेप, देखिए स्फेरिकल शेप का मिलता है। कब? जब आपका चार्ज पॉइंट चार्ज होता है, जब कोई चार्ज पॉइंट चार्ज होगा इसके चारों गोल टाइप का मिलेगा, चारों तरफ समान समान दूरी पर बराबर होगा, तो इस समय जो समविभवीय तल का आकार होता है गोलीय होता है, इसलिए इसे स्फेरिकल इक्विपोटेंशियल सरफेस कहते हैं। तो अगर आज के बाद कोई बोल दे कि स्फेरिकल इक्वी, 3 तरह का होता है, सबसे पहला स्फेरिकल, दूसरा सिलेंड्रिकल, तीसरा प्लेन। स्फेरिकल का मतलब गोलीय, सिलेंड्रिकल का मतलब बेलनाकार, और प्लेन का मतलब समतल। ये 3 इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है। तो स्फेरिकल आपको समझ में आ गया कि जब चार्ज हो वो पॉइंट चार्ज हो, फिर से सुनिएगा, जब आपका चार्ज पॉइंट चार्ज हो तो उस समय, पॉइंट मतलब बिंदु आवेश हो, बिंदु आवेश, उस समय जो समविभवीय तल मिलता है वो गोलीय होता है। ये हो गया पहला का। देखिए उसके बाद दूसरा को सुन लीजिए, दूसरा क्या होता है वो देख लीजिए, मैं लिखा भी दूंगा, लिखा हुआ दे दूंगा, नोट कर लीजिएगा। दूसरा होता है सिलेंड्रिकल यानी बेलनाकार समविभवीय तल, दूसरा होता है सिलेंड्रिकल इक्विपोटेंशियल सरफेस मतलब बेलनाकार समविभवीय तल, बेलनाकार समविभवीय तल, लिखते जाइए साथ साथ में। तो जब चार्ज लाइन चार्ज हो, मैं कह रहा हूं जब चार्ज लाइन चार्ज हो, इस तरीके से लाइन चार्ज, तो इस समय जो इक्विपोटेंशियल सरफेस मिलता है वो इसके चारों ओर बेलनाकार हो जाता है। क्या हो जाता है? बेलनाकार, इस तरीके से समझिएगा, ऐसा बेलनाकार समविभवीय तल हो जाता है, सिलेंड्रिकल। तो है कुछ नहीं, बस आपको हल्का हल्का समझते जाना है,
थोड़ा बहुत बुक पढ़िएगा, बुक पढ़िएगा तो आपको समझ में आ जाएगा, आपको आ रहा होगा समझ में समविभव, या तल की एक ऐसा तल, एक ऐसा सतह जिसके हर एक बिंदु पर विभव सेम हो, और जब आपका चार्ज होगा पॉइंट चार्ज तो समविभव या तल गोलिया मिलेगा, और जब लाइन चार्ज होगा रेखीय आवेश उस समय जो मिलेगा समविभव या तल वो बेलनाकार मिलेगा, मतलब सिलेंड्रिकल मिलेगा। लेकिन ध्यान देना है, चाहे आपका चार्ज पॉइंट चार्ज हो या आपका लाइन हो, पॉइंट चार्ज में क्या होगा इक्विपोटेंशियल सरफेस जो मिलेगा वो स्फेरिकल मिलेगा, लाइन में आपका मिलेगा सिलेंड्रिकल मिलेगा। लेकिन दोनों केस में जो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स होगा, जो प्लस से निकलता है, आपको पता है ना, हम बताए थे ना कि प्लस से इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स हमेशा निकलता है, तो ये जो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स है ये हमेशा समविभवीय तल पे परपेंडिकुलर होता है। देखिए ना, समविभवीय तल ऐसे है और लाइन ऐसे जा रहा है, यहां भी समविभवीय तल ऐसे है तो लाइन ऐसे जा रहा है, यहां समविभवीय तल ऐसे है तो लाइन ऐसे जा रहा है, यहां समविभवीय तल इधर से इधर है तो लाइन ऐसे जा रहा है, परपेंडिकुलर ना जा रहा है हमेशा। हमेशा जो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स होता है, विद्युत बल रेखा होता है, वो समविभवीय तल मतलब कि इक्विपोटेंशियल सरफेस पे लंबवत होता है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। तो एक हो गया, दो हो गया, सबसे पहले हो गया स्फेरिकल, दूसरा हो गया सिलेंड्रिकल, तीसरा होता है पॉइंट प्लेन समविभवीय तल, मतलब समतल समविभवीय तल, प्लेन इक्विपोटेंशियल सरफेस। देखिए क्या होता है, सुनिएगा, जब आपका चार्ज, मान लीजिए कि आपका पॉइंट चार्ज है, ध्यान से सुनिएगा, आपका चार्ज मान लीजिए पॉइंट चार्ज है, तो पॉइंट चार्ज के चारों तरफ जो इक्विपोटेंशियल सरफेस मिलेगा वो कैसा मिलेगा, स्फेरिकल मिलेगा, ऐसे स्फेरिकल मिलेगा। लेकिन आप खुद सोचिए कि अगर ये दूरी बढ़ते जाए तो स्फीयर का साइज भी क्या होता जाएगा, बढ़ते जाएगा। मैं कह रहा हूं कि अगर ये दूरी बढ़ते जाए तो धीरे धीरे स्फीयर का साइज भी क्या होता जाएगा, बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा। जैसे जैसे ये दूरी बढ़ते जाएगा, स्फीयर का साइज जो है ये भी बढ़ते जाएगा, और बढ़ते 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 एक समय ऐसा आएगा ना कि इसका छोटा सा पोर्शन कैसा बन जाएगा, प्लेन बन जाएगा, समतल। देखिए ना, समतल बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ये जैसे जैसे हम दूर बढ़ रहे, पहले स्फीयरिकल स्फीयरिकल है, बढ़ते जा रहे हैं, 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 बढ़ते 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 क्या होगा कि इस लाइन का जो छोटा सा सरफेस होगा, सतह होगा, वो प्लेन हो जाएगा। यानी कहने का मतलब हम ये कह रहे हैं कि जब आपका चार्ज काफी दूर पर हो, चाहे पॉइंट चार्ज हो या सिलेंड्रिकल रहेगा तो वही होगा, सिलेंड्रिकल में भी होगा, जब आपका चार्ज काफी दूर पे हो तो दूर पे रहने पर जो संविभवीय तल मिलता है उसका एक छोटा सा पोर्शन जो होता है वो होता है आपको प्लेन, छोटा सा पोर्शन होता है वो क्या होता है आपको, प्लेन होता है, मतलब कि समतल होता है। इसी को हम लोग बोलते हैं प्लेन इक्विपोटेंशियल सरफेस। समझ रहे हैं हम क्या बोल रहे हैं, उसी को हम बोलते हैं प्लेन इक्विपोटेंशियल सरफेस। जैसे देखिए ना, कोई भी बड़ा सा स्फीयर होगा ना मिंगा के रेगुलर व्यूअर, तो वो आपको प्लेन देखने में लगेगा। जैसे मान लीजिए पृथ्वी, पृथ्वी का स्फीयर है, गोला है, बहुत बड़ा गोला है, तो पृथ्वी देखने में आपको कैसा लगता है, जब देखते हैं पृथ्वी पर खड़ा होकर तो आपको कैसा देखने में लगता है, प्लेन लगता है कि नहीं लगता है, क्योंकि वो काफी बड़ा है, तो जब बड़ा हो जाएगा तो आपको प्लेन ही मिलेगा। तो आप समझ गए, सुनिए फिर से ध्यान से, जब पॉइंट चार्ज रहेगा तो स्फेरिकल इक्विपोटेंशियल सरफेस, लाइन चार्ज रहेगा तो सिलेंड्रिकल इक्विपोटेंशियल सरफेस, और चाहे पॉइंट सोर्स हो लाइन हो या कोई और क्यों ना रहे, जब चार्ज काफी दूर पर रहेगा तो उस समय जो इक्विपोटेंशियल सरफेस मिलेगा वो आपको मिलेगा प्लेन इक्विपोटेंशियल सरफेस। इस बात को आप समझ गए, तो चलते हैं तीनों के अलग अलग डिफिनेशन पे, देख रहे थे तीनों का डिफिनेशन कि क्या कह रहा नहीं कह रहा है, लिखा हुआ तो नहीं, मैं लिखा दूंगा। देखिए तीनों टाइप हो गया, सबसे पहला स्फेरिकल, दूसरा सिलेंड्रिकल, तीसरा प्लेन, मतलब कि समविभवीय तल, यहां गोलिया कर लीजिएगा, छूट गया, यहां समविभवीय के आगे गोलिया कर लीजिएगा, गोलिया समविभवीय तल, बेलनाकार संविभवीय तल, समतल संविभवीय तल। अब चलते तीनों के डिफिनेशन में, डिफिनेशन एक आके लिख लीजिए और फिगर ड्रॉ कर लीजिएगा। सबसे पहला स्फेरिकल संविभवीय तल गोलिया, तो इसमें लिखिए इफ, लिखते जाइए मेरे साथ, लिख लीजिए इफ चार्ज इज पॉइंट चार्ज, इफ चार्ज इज पॉइंट चार्ज, हिंदी में भी बोलेंगे, इफ चार्ज इज पॉइंट चार्ज देन इक्विपोटेंशियल सरफेस इज अ स्फेरिकल इक्विपोटेंशियल सरफेस। मेरे साथ साथ लिख लीजिए, इफ चार्ज इज पॉइंट चार्ज देन इक्विपोटेंशियल सरफेस इज अ स्फेरिकल इक्विपोटेंशियल सरफेस। हिंदी वाले लिखिए, जब आवेश बिंदु आवेश हो तो उस समय समविभवीय तल गोलीय समविभवीय तल होता है। इतना लिख के ये फिगर बना देना कि इसके चारों ओर ऐसे समविभवीय तल हो जाएगा, ऐसे गोल गोल वाला स्फेरिकल, इस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का वो क्या होगा, इस पे ऐसे परपेंडिकुलर होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा इस पे ऐसे परपेंडिकुलर होगा, 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 मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो दिशा होगा, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स का, वो समविभवीय तल पे परपेंडिकुलर होगा। इतना हो गया आपको इसके साथ। चलते हैं दूसरा में, जो कि सिलेंड्रिकल है, सिलेंड्रिकल में भी लिख लीजिए, इफ चार्ज इज लाइन चार्ज
लिख लीजिए, इफ चार्ज इज लाइन चार्ज देन इक्विपोटेंशियल सरफेस इज सिलेंड्रिकल, मतलब जब आपका आवेश हो वो रेखिया आवेश हो, हिंदी में लिखिए जब आवेश रेखिया आवेश होता है तो उस समय समविभवीय तल का आकार बेलनाकार होता है। इस तरीका से फिगर बना लीजिए लिख के, ठीक है, मैंने बोल दिया हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिख लीजिए। और इस तरीका से इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स दिखा दीजिए यहां से चार्ज से, इस तरीका से इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स इधर भी दिखा दीजिए, और इधर भी चाहते तो इधर भी दिखा सकते, इधर भी दिखा दीजिए ऐसे करके। तो ये आपका हो गया समविभवीय तल, ठीक है। एक हो गया आपका कौन सा, एक हो गया आपका सिलेंड्रिकल, एक हो गया आपका कौन सा, एक हुआ ऊपर स्फेरिकल। अब चलते हैं प्लेन इक्विपोटेंशियल सरफेस में कि प्लेन इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है। आ गए प्लेन में, प्लेन में समझ गए कि लिखिए इसमें कि जब चार्ज काफी दूर पर हो तो उसमें मिलता है वो होता है प्लेन। लिखिए इफ चार्ज इज एट वेरी लार्ज डिस्टेंस देन, हाँ हाँ मेरे साथ लिखिए, इफ चार्ज इज एट वेरी लार्ज डिस्टेंस देन शेप ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस इज, शेप ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस इज प्लेन। समझ रहे, इफ चार्ज इज एट वेरी लार्ज डिस्टेंस देन शेप ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस इज प्लेन। इसका फिगर भी ड्रॉ कर लीजिए ऐसा करके, देखिए फिगर ड्रॉ कर लीजिए यहां से आपका ये प्लेन, इस तरीके से फिगर ड्रॉ कर लीजिए। लेकिन ध्यान दीजिएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होगा ना इस पे परपेंडिकुलर होगा, इस बात को ध्यान देना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो रहेगा वो इस पे क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, यहां से निकलेगा ऐसे करके, चलेगा ऐसे करके। तो इस तरीका से आप यहां पे फिगर ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं, इस तरीका से, इस तरीका से परपेंडिकुलर, इस पे परपेंडिकुलर है प्लेन पे, क्या करते जा रहा है ऐसे करके, प्लेन को ऐसे करके दिखा लीजिए, परपेंडिकुलर हो गया। तो यहां से आप इस तरीके से फिगर को ड्रॉ कर सकते, कोई बहुत बड़ी बात ये नहीं है। फिर से समझ लीजिएगा इस बात को कि जब आपका जो सरफेस हो वो हो आपका प्लेन, सॉरी मतलब कि आप इतना सिंपल सा समझिए ना कि जब चार्ज काफी काफी दूर पर रहेगा तो उस समय जो इक्विपोटेंशियल सरफेस मिलेगा वो प्लेन मिलेगा, वो प्लेन मिलेगा। जैसे मान लीजिए कि आपका चार्ज सूरज होता, जो सन है वही आपका चार्ज होता, तो उसके कारण जो इक्विपोटेंशियल सरफेस मिलता, जो सूरज के कारण जो मिलता इक्विपोटेंशियल सरफेस, और पृथ्वी पर जो टकराता वो मिलता प्लेन, क्योंकि सूरज काफी दूर पर ना है तो काफी दूर के कारण जो मिलेगा इक्विपोटेंशियल सरफेस वो प्लेन मिलेगा। यही तीन होता है इक्विपोटेंशियल सरफेस का टाइप, समविभवीय तल का प्रकार। अब समविभवीय तल का थोड़ा सा गुण भी देख लेते हैं, प्रॉपर्टी भी देख लेते हैं। तो देखिए पहला प्रॉपर्टी तो बहुत ही आसान है, हम कह रहे हैं कि पहला जो गुण है वो तो बहुत ही आसान है। आप लोग जानते हैं कि कोई भी समविभवीय तल हो, मान लीजिए स्फेरिकल समविभवीय तल हो, तो इसके दो बिंदु पर जो पोटेंशियल होगा वो सेम होगा, कोई भी बिंदु पर का पोटेंशियल सेम होगा। और पोटेंशियल जब सेम होगा मेरे एमिंग हाई के रेगुलर व्यूअर, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, जीरो ना। अभी ना ऊपर हम लोग देखे कि यहां पोटेंशियल मान लीजिए दो वोल्ट, तो यहां भी दो वोल्ट, तो यहां भी दो वोल्ट, तो यहां भी दो वोल्ट, तो कोई दो बिंदु लेंगे, कोई भी दो बिंदु लेंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस जो हो जाएगा वो पोटेंशियल डिफरेंस किसके बराबर हो जाएगा, जीरो के बराबर हो जाएगा। तो सबसे पहला प्रॉपर्टी तो ये हो गया कि पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो जाता है। दूसरा प्रॉपर्टी भी आप लोग अभी सुन चुके हैं कि जो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स का जो दिशा होगा वो इक्विपोटेंशियल सरफेस पे लंबवत होगा, परपेंडिकुलर होगा। इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स होगा जो इक्विपोटेंशियल सरफेस पे क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। यहां भी देखिए परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर, चाहे ऐसा वाला हो या सिलेंड्रिकल हो या प्लेन रहेगा तो प्लेन पे ऐसे परपेंडिकुलर रहेगा, लेकिन परपेंडिकुलर ही रहना है इक्विपोटेंशियल सरफेस पे। इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स का दिशा जो है वो परपेंडिकुलर होगा, ये दूसरा प्रॉपर्टी होगा। तीसरा प्रॉपर्टी समझिएगा, देखिए तो एक चीज तो आप लोग अभी जान गए कि इक्विपोटेंशियल सरफेस के कोई भी दो बिंदु पर का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो जीरो होगा। मतलब मान लीजिए ये पॉइंट ए और ये पॉइंट बी, तो ए का पोटेंशियल माइनस बी का पोटेंशियल जीरो के बराबर होगा। और मैंने आपको बताया था कि कोई भी दो बिंदु के बीच जब पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो तो वहां से वहां चार्ज को लेकर जाने में किया जाने वाला वर्क जीरो हो जाता है। क्योंकि देखिए ना फॉर्मूला याद कीजिए ना, मैंने जो कल पढ़ाया था, VA माइनस VB बराबर बर्डन कहां से कहां, B से A बाई Q। मैंने ये बताया था ना आप लोगों को, बर्डन कहां से कहां, B से A बाई Q। तो जब आपका ये वाला जो टर्म हो जीरो के बराबर आ जाएगा, VA माइनस VB आपको जीरो के बराबर आ जाएगा, तो Q से गुना हो जाएगा तो जीरो के बराबर ना बर्डन आ जाएगा। यानी इक्विपोटेंशियल सरफेस पर एक बिंदु से दूसरा बिंदु तक आवेश को लेकर जाते हैं, तो आवेश को लेकर जाने में किया जाने वाला जो वर्क होता है वो शून्य के बराबर हो जाता है, जीरो के बराबर हो जाता है। वजह कोई
पूछेगा वजह, तो वजह यही कहिएगा कि सर उस दिन दोनों बिंदु पर जो विभव होता है, विद्युत विभव होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है, वो समान होता है। और जब विभव समान होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल समान होगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होगा। और जब पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होगा सर, तो बर्डन जब यहां से निकालेंगे तो यही जब जीरो हो जाएगा तो क्यू गुना होके ये बर्डन का वैल्यू जीरो ना जाएगा सर। तो ये तीसरा प्रॉपर्टी हो गया कि इक्विपोटेंशियल सरफेस मतलब समविभवीय तल के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक किसी चार्ज को लेकर जाते हैं तो उसमें किया जाने वाला वर्क का वैल्यू शून्य होता है और जीरो होता है। चौथा प्रॉपर्टी देख लेते हैं। चौथा प्रॉपर्टी है कि दो इक्विपोटेंशियल सरफेस कभी भी एक दूसरे को काटता नहीं है। जैसे उदाहरण पे समझिए, मान लीजिए कि आपका ये इक्विपोटेंशियल सरफेस और ये है, मान लीजिए कि कट गया, मान लीजिए कि कट गया लेकिन काटता नहीं है। देखिए कटने से क्या हो जाएगा कि मान लीजिए कि इस ये जो पहला वाला इक्विपोटेंशियल सरफेस है, इसके हर एक बिंदु पर वोल्टेज दो वोल्ट है, पोटेंशियल दो वोल्ट है, तो हर एक बिंदु पर दो 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 रहेगा। और मान लीजिए इसके हर एक बिंदु पर तीन है, तो इसके हर एक बिंदु पर तीन 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 रहेगा। लेकिन देखिए तो जहां कटा वो बिंदु तो इसमें भी आ रहा और इसमें भी आ रहा है ना, तो जहां कटा और वहां पे वोल्टेज दो रहेगा कि तीन रहेगा कि पांच हो जाएगा। आप कहेगा नत्तोरी के सर, हाँ कहिएगा नत्तोरी के सर, सर इसका पोटेंशियल दो वोल्ट है, इसका पोटेंशियल तीन वोल्ट है, तो सर दो और तीन मिलकर पांच वोल्ट ना हो जाएगा सर। हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, जहां पे कट करेगा वहां पे पोटेंशियल अलग हो जाएगा। तो अलग हो गया तो का रहेगा, इक्विपोटेंशियल सरफेस ना रहेगा, क्योंकि पोटेंशियल चेंज ना कर गया जिस कट रहा है उस बिंदु पर। यानी कि जब कटेगा तो पोटेंशियल चेंज कर जाएगा, और जब चेंज करेगा तो वो इक्विपोटेंशियल सरफेस नहीं रहेगा। और अगर इक्विपोटेंशियल सरफेस है तो हर जगह पोटेंशियल सेम रहेगा, और सेम रहेगा तो कट नहीं करेगा, क्योंकि कट करेगा तो चेंज ना कर जाएगा। यानी दो इक्विपोटेंशियल सरफेस कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करता है, क्योंकि जहां पे भी कटता है वहां पर का पोटेंशियल अदर पॉइंट के पोटेंशियल से अलग हो जाता है, जो कि पॉसिबल नहीं है। देखो दो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स भी नहीं कट करता, तो उसके पीछे का वजह था दिशा, डायरेक्शन, कि डायरेक्शन दो हो जाएगा, और इसके पीछे का वजह कि पोटेंशियल अलग अलग हो जाएगा। तो यही था इलेक्ट्रिक लाइन सॉरी इक्विपोटेंशियल सरफेस की प्रॉपर्टी। तो हम लोग चलते हैं नीचे, और नीचे चल के जरा पूरा प्रॉपर्टी को बढ़िया से देख लेते हैं। आप लोग कॉपी पर नोट भी कर लीजिएगा बढ़िया से, एकदम शानदार तरीके से चारों के चारों प्रॉपर्टी। देखिए चारों प्रॉपर्टी यहां पे लिखा हुआ है, देख लीजिए बढ़िया से एक बार। सबसे पहला प्रॉपर्टी वही कहा जा रहा है कि समविभवीय तल के दो बिंदु के बीच विभवांतर शून्य होता है, यानी पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो जीरो हो जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि दोनों के बीच के दोनों बिंदु का जो पोटेंशियल होगा वो सेम होगा, तो पोटेंशियल का जो डिफरेंस निकालेंगे वो जीरो के बराबर हो जाएगा। दूसरा प्रॉपर्टी देखिए, दूसरा प्रॉपर्टी ये है कि विद्युत बल रेखा की दिशा समविभवीय तल पर लंबवत होती है, मतलब जो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स होता है वो इक्विपोटेंशियल सरफेस पर परपेंडिकुलर होता है। तीसरा प्रॉपर्टी देखिए, बर्कडन टू मूव द चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस इज जीरो, मतलब समविभवीय तल पर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लेकर जाने में किया जाने वाला जो कार्य होता है को वो शून्य हो जाता है। और चौथा, दो समविभवीय तल कट नहीं करता, टू इक्विपोटेंशियल सरफेस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। तो ये हो गया चारों के चारों प्रॉपर्टी, और यही था आप लोगों को इक्विपोटेंशियल सरफेस में। सबसे पहले था इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है, तो एक ऐसा सरफेस जिसके हर एक बिंदु पर का पोटेंशियल सेम हो। दूसरा प्रॉपर्टी ये था कि इक्विपोटेंशियल सरफेस का शेप क्या होता है, टाइप क्या होता है। तो हम लोगों ने देखा कि तीन तरीके का होता है। सबसे पहला होता है स्फेरिकल, दूसरा होता है सिलेंड्रिकल, और तीसरा होता है प्लेन। और उसके बाद इक्विपोटेंशियल सरफेस की प्रॉपर्टी देखी, गुण क्या क्या होता है, तो चार गुण मैंने देखा। इन सब चीजों को कॉपी पे अच्छे से नोट कर लीजिएगा, बढ़िया से नोट कर लीजिएगा। वीडियो समझ में नहीं आया तो उसके लिए सॉरी, सॉरी इसलिए क्योंकि बहुत सारी सिचुएशन, बहुत सारी परेशानी का दिक्कत हो पाता है, दिमाग को कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं कभी कभी। और साथ साथ में जब स्क्रीन रिकॉर्डिंग आप लोगों को हम बताते हैं, तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग के समय फेस टू फेस वीडियो नहीं मिल पाता, तो इसके कारण भी परेशानी हो सकती है। कोई बात नहीं, ऐसे ही सीखते रहिए, समझते रहिए, पढ़ते रहिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।